हम एक कॉल लगाने वाले हैं अदर वर्ल्ड में। क्यों बज रहा है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हॉरर वीडियो, हॉरर रिचुअल, एंड आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक सीरीज की। एंड सबसे पहली सीरीज होने वाली है हॉरर सीरीज, क्योंकि आप लोगों को हॉरर सबसे ज़्यादा पसंद है। बट सिर्फ हॉरर नहीं आएगा इस चैनल में गाइस, सो थोड़ा सा प्रेप अप हो जाओ। एंड बट पहला वीक हॉरर है, एंड आज जो हम रिचुअल करने वाले हैं वो है द शू बॉक्स रिचुअल। किसी ने नहीं किया है ये अभी तक, और हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जिसने कुछ नहीं करा, किसी ने भी जो नहीं ट्राई कर रखा वो हम ट्राई करें। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको ऐसे रिचुअल्स देखने पसंद हो तो। एंड इस वीडियो को लाइक करे बिना प्लीज़ मत जाना, योर लाइक इज़ द वन जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। दैट्स इट एंड या अब पढ़ते हैं रिचुअल की तरफ। और इसकी कोई बैक स्टोरी ऐसा हमें इंटरनेट में ढूंढने पे कहीं मिली नहीं, पर जहाँ से थ्री किंग्स रिचुअल का ओरिजिन हुआ है बिल्कुल वहीं से इसका भी ओरिजिन हुआ है। तो जैसे थ्री किंग्स रिचुअल के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, उसी तरीके से इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। बट जिन्होंने भी ये खेला है उन्होंने बोला है कि उन्हें हमेशा हमेशा इसमें सक्सेस मिली है। इसमें एक इंसान होगा जो खेलेगा, एंड देन हमें चाहिए शू बॉक्स चाहिए होगा, एक प्लास्टिक कप चाहिए, उसके ऊपर लगने वाला एक धागा चाहिए। जैसे हम बचपन में नहीं खेलते थे कि एक कान पे पेपर कप और दूसरा बंदा दूसरे दूर से पेपर कप यूज़ करके एक बीच में एक धागा होता था और हमें सुनाई देता था, बिल्कुल उसी तरीके से हमने आज भी एक टेलीफोन बनाना है। मेरे को एक बार लगा चलूँ कि सीलिंग पे कोई लटका हुआ है। चाहिए हमें एक सिजर, एक चाहिए हमें एक पावर ऑब्जेक्ट। ये शू बॉक्स रिचुअल है, तो शू बॉक्स से हम एक कॉल लगाने वाले हैं अदर वर्ल्ड में। और अदर वर्ल्ड में कॉल लगाने के लिए आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि आप किसको कॉल लगाना चाहते हैं। जो आपका कोई नोन हो, आपका कोई क्लोज रहा हो और जो अब इस दुनिया में ना रहा हो, उसके लिए हमें एक लेटर भी लिखना है और उसी से जुड़ी हुई एक पावर ऑब्जेक्ट भी हमारे पास होनी चाहिए। एंड देन आप किसी भी टाइम चालू कर सकते हैं, बट एक टाइम पे चालू करना है जब आपकी दिन का सारे काम आपके ख़त्म हो गए और अब आप सोने ही जा रहे हो। उससे पहले सारा सेटअप कर देना है और उसके बाद हम चलेंगे सोने। तो चलो सेटअप करते हैं। ओके गाइस, तो मैं सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ और ये रहा पन्ना इसमें। और मैं जो यहाँ पे कांटेक्ट करने वाली हूँ वो है मेरे दादाजी, एंड ये उनकी दी हुई रिंग है जो मैं बड़ा संभाल के रखती हूँ। मैं ऑल दो पहनती नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है। बट पावर ऑब्जेक्ट लेटर जो लिखूँगी वो मैं ऑब्वियसली बात है आप लोग को नहीं बताऊँगी बिकॉज वो थोड़ा पर्सनल है। अब गाइज मैं लेटर लिख रही हूँ और इसको लिख के इसी को रीड आउट करना है हमारे पेपर कप में, ठीक है। इसमें बेसिकली लिखना है आपने अपने मन की पूरी लिख देनी है और इसमें लिखना है क्यों आप उनसे कॉन्टैक्ट चाहते हो कि वो आपको कॉल करें। वही वैसे जो ये थ्रेड है पॉइंट जो है वो अपने इस चीज़ में पावर ऑब्जेक्ट को बांधना है। एंड दूसरा जो कि अराउंड इसमें बोला है कि एटलीस्ट पाँच चार फीट तो रखो, और दूसरा पोर्शन जो है वो इसके अंदर जाना चाहिए। तो मैं इसमें पेन से छेद कर रही हूँ। क्यों बज रहा है? क्या टाइम हो रहा है? टूटा गया हेलो एंगेज होना, कोई प्रैंक कर रहा है क्या? कुछ रात की 12 बजे छोड़, ये कर लेते हैं। ये तो हाँ पर फिर बाद में काट दिया। हाँ ठीक है। तो गाइस अब इस रिचुअल के हिसाब से मुझे जो मेरा लेटर है ये मुझे इसमें रीड आउट करना है। इसमें मैं रीड आउट कर रही हूँ। अभी का पोर्शन मैं म्यूट कर दूँगी जिससे ऑब्वियसली कोई प्राइवेट रीज़न है, ऑब्वियसली तो पर्सनल रीजंस की वजह से। ओके गाइस, अब इसको ऐसे फोल्ड करके शू बॉक्स के अंदर, रिंग को भी अंदर और इस चीज़ को बाहर रहने देंगे और ये इस तरीके से ऊपर। इसमें बेसिकली एक फ़ोन बूथ टाइप होना चाहिए, पर फ़ोन बूथ हमारे पास ऐसा है नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, एक कमरे को एज अ फोन बुथ समझ रहे हैं और इसको जाके वहाँ रख देंगे ज़मीन पे। लेट्स गो। ठीक है, इस पोजीशन पे ही रहना चाहिए। अगर इस पोजीशन में रहा जब कॉल आता है तो ही हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ना है। लेट्स गो, अब सोते हैं। ओके गाइस, तो मैं सोने आ गई हूँ। अभी मैं बात करूँ इसलिए माइक रख रखा है, इसके बाद मैं उतार दूँगी। बट यार मैं सोऊंगी, और अगर मुझे क्या बोलते हैं कोई सपना आता है कि रिंग बज रही है तो ही मुझे प्रोसीड करना है, नहीं तो नहीं। और इस प्रोसेस के लिए हम 4 नाइट्स तक वेट कर सकते हैं, और अगर तब भी नहीं कॉल आता है तब मतलब उसका मतलब ये होता है कि जिसको आप कांटेक्ट करना चाह रहे हो उनको आपसे ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। और आई होप मुझे कॉल आएगा एंड या फिर सपना आएगा, आई मीन सपने में रिंग आएगी। बट या व्हाटएवर इट इज़, लेट्स गो टू स्लीप। गाइस मैं जस्ट अभी उठी हूँ, और चिन्नू चिन्नू चल उठना यार एक बार। यार मेरे को बहुत वियर्ड सा ड्रीम आया, मुझे प्रॉपर सपना तो याद नहीं आ रहा, बट मुझे बार बार ऐसा लग रहा था ना, मुझे बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ना रिंग बज रही हो। एक बार चेक करते हैं ना जाके। पता नहीं मेरे को यार, ऐसे बहुत क्लियरली नहीं याद आ रहा कि क्या था, बट इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू ऐसा कि कुछ बज रहा है, मुझे नहीं पता क्या, पर कुछ बज रहा था। तो एक बार चल के देखते ना यार, मेरी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। वैसे हम लोग उठ के आ गए हैं, और कमरा है पीछे, ठीक है। एंड वो कमरा यूजुअली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इस वजह से वो ऐसा लगता था। पर हमने फिर मम्मी को बता दिया था कि ऐसा है तो प्लीज़ उस कमरे में मत ही जाना। एंड अभी जो कमरा है उसमें बेसिकली आप हम जब जाएंगे तो वो शू बॉक्स अनटच्ड होना चाहिए, जैसा हमने छोड़ा था बिल्कुल वैसा होना चाहिए, बिल्कुल भी हिला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो शू बॉक्स खुला हुआ है तो हमें कंटिन्यू नहीं करना है, अगर वो जो कप ऊपर हमने रखा है वो गिरा हुआ है तो हमें कंटिन्यू नहीं करना है, अगर हमने जैसा छोड़ा था वैसे ही रखा हुआ है तो ही हमें कंटिन्यू करना है। तो हम लोग को बस अब उधर जाना है, एंड जाके हमें कुछ बोलना नहीं गाइस। तो मैं अभी वहाँ जाके बोलूँगी नहीं, इसलिए आपको बता रही हूँ। हाँ, वो कप लेके सुनना है और दूसरे से बंद करना है, और सिर्फ सुनना है। एंड शिट, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे पूरे टांगों पर। एंड अगर हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही, मेरे को हिम्मत ही नहीं हो रही इस कमरे में जाने की। बट हाँ, अगर हमें फ़ोन कॉल कट करना है तो उस वायर को या तो हम खींच दें या तो हम कैंची से कट कर दें। कैंची को हमने साथ में रखा था इसी वजह से, जिससे कैंची से काट सके। और उस डब्बे को हमें 5-4 महीने के लिए खुलना नहीं चाहिए, तो हम लोग स्टोरेज में रख देंगे, जिससे कोई इसको खोले भी नहीं और वो फीके भी नहीं। एंड कप को हमें जला देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। ओके, तो ये ऐसा ही था जैसा होना चाहिए था, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके गाइज, तो अभी हम सुनने जाएंगे एंड लेट्स सी, ठीक है। मैं कुछ बोलूँगी नहीं। सो इसको अजीब सा लग रहा था, बस जैसे एको हो रहा कुछ, वो इस वजह से कुछ एयर बिल्कुल रुक जाती है अंदर आगे ना, तो मुझे ऐसा से कुछ सुनाई नहीं दिया। इसको बस कहीं में छुपाना है ना। क्या व्हाट? एक संख्या